नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। कप्तानी छोड़ने के बाद वनडे में अपनी पहली पारी खेल रहे एवी डिविलियर्स ने बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे वनडे मैच में 176 रनों की आतिशी पारी खेलकर इतिहास रच दिया। जी हां, एवी डिविलियर्स ने अपने कैरियर का सर्वोच्च स्कोर बनाते हुए अपने फॉर्म में लौटने की वापसी का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी पारी में 104 गेंदें खेली तथा 15 चौके और 7 छक्के लगाकर बांग्लादेश के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर डाली। जब लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका की तरफ से वनडे में गैरी क्रिस्टन के 1996 में बनाए गए 188 रन के सर्वोच्च स्कोर के रिकॉर्ड को तोड़कर दोहरा शतक बनाने में सफल रहेंगे, तभी उन्होंने रूबल हसन की ओरकर पर सब्बीर रहमान को कैच थमा दिया। हालांकि इससे पहले एवी डिविलियर्स अपना काम कर गए और उन्होंने बता दिया कि अभी भी उनके अंदर काफ़ी क्रिकेट बाकी है। अगर आपको भी उनके चौके छक्के पसंद हो और उनकी ये पारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें।